by method of induction prove 2 raised to thrice n minus 1 is divisible by 7. देखो करना कैसा है स्टेप्स पहले हमें चेक करना है फर्स्ट टू प्रूव p ऑफ 1 इज ट्रू मतलब n इज इक्वल टू 1 लिया हमने तो फिर 2 रेस टू 3 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 2 रेस टू 3 माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1 इज 7 which is true, divisible by 7. Okay, so पहला तो prove हो गया. Second, what is second step? Assume P of K is true. मतलब assume 2 raised to 3k minus 1. Minus 1 is divisible by 7. अगर ये divisible by 7 है, तो जरूर 7 के multiple रहेगा. मतलब 2 raised to 3k minus 1 is 7 into some a. Divisible by 7 है मतलब multiple रहेगा उसके. तो कोई a रहेगा साथ में. Yes. Third step, to prove p of k plus 1 is true. Yeah. Matlab what? To prove 2 raised to 3 k plus 1 minus 1 is divisible by 7. Ab ye kaise? Consider 2 raised to 3 k plus 1 minus 1 is what? 2 raised to 3k plus 3 minus 1. ठीक है ना ये बात? So which is equal to 2 raised to 3k into 2 raised to 3? Yes. A raised to m into a raised to n is a raised to m plus 1. Minus 1. Yes. So which is equal to 2 raised to 3k into 8 minus 1? ओके 2 रेस टू 3 के अभी इसको प्रूव करना है हमें एक काम कर सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं 2 रेस टू 3 के क्या है देखो ये ए वाली स्टेप यूज करते हैं हम लोग तो 7 ए प्लस 1 है yes. ये वैल्यू यहां पुट कर तो ये आ जाएगा 7 ए प्लस 1 इनटू 8 माइनस 1 So, ये आ जाएगा 7 into a into 8 plus 8 minus 1. इसमें से 7 a into 8 plus 7. इसमें से 7 common निकलेगा फिर भी. तो 8 a plus 1. Yes. Which is divisible by 7. Hence, by method of induction, result is true for all n belongs to n. So, when you ask for the 8a plus 7 common nikalega, to andar kya rahega? Anyway, ye kuch bhi ho, 7 ke par multiple hai na. To ye 7 se divisible by hai. To matlab hum likh sakte from step 1, 2, 3, result is true for all n belongs to natural. ठीक है? Right. ये step क्या मान रहे हैं हम लोग? कि divisible by 7 है. मतलब what? 2 raised to 3k minus 1 is something divisible by 7 मतलब 56 है. मतलब. 56 divisible by 7 कैसे? 7 into 8. मतलब ये जो term है, ये अगर divisible by 7 है, तो जरूर कोई a रहेगा साथ में. वो ये कोई भी नेचुरल नंबर है फ्रैक्शन नहीं हम ये सब बातें कर रहे हैं किसकी नेचुरल्स की तो ऐसा कोई ए है मान लिया हमने मतलब 2 रेस ये वन उधर है
अरे भाई ये डिविजिबल बाय 7 है, मतलब ये कोई भी ऐसा नंबर रह सकता है जो 7 के टेबल में आता है। जैसे 14 रह सकता है, 21 रह सकता है, मान लो ये 14 है तो ये कैसे लिखेंगे 7 × 2। मान लो ये 21 है, हो गया ना 7 × 3, तो ये जो नंबर है ये कुछ भी रहेगा, पता नहीं ये कुछ भी रहेगा ना, तो ये कुछ भी आएगा। समझ में आ रही बात? मतलब ये 7 के टेबल में है तो 7 के मल्टीपल है, मतलब जरूर उसमें से कौन बाहर आएगा, 7 बाहर आएगा और कोई तो भी रहेगा, 2, 3, 5, 6 जो भी रहेगा, यार नॉट बॉदर्ड। अब ये तो हमने मान लिया, अब हमें क्या प्रूव करना है? ये मेथड ऑफ इंडक्शन क्या बोलती है कि थर्ड स्टेप भी, सेकंड स्टेप आप मान लो लेकिन सेकंड स्टेप का एजम्पशन लेके क्या प्रूव करके दिखा दो थर्ड स्टेप, मतलब k के लिए ट्रू है तो दिखा दो, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अगर आप दिखा पाए तो फिर आपको कोई भी n ले लो, जैसे n 10 लिया आपने फॉर एग्जांपल, देखो क्या आएगा, 2⁻³⁻¹ आएगा, और ये भी ये आंसर भी कैसा आएगा, डिविजिबल बाय 7 आएगा। n 100 ले लो, 1000 ले लो, 1 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, 25 लाख ले लो, कुछ भी ले लो। ये आप क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपने ये मेथड से ये प्रूव किया। अब स्टेप 3 क्या बोलती है, k प्लस 1 चेक करो। तो हमने n k की जगह क्या पुट करके देखा, k प्लस 1, और इसको सिंपलीफाई करते गए कैसे, ये स्टेप तो समझ में। अब ये सेपरेट किया, अब इसकी वैल्यू मुझे बताना है कि ये 7 के मल्टीपल है, ये जितना भी है वो नंबर 7 के मल्टीपल। मैंने क्या किया, ऊपर से ये वैल्यू ले लिया इधर डाल दिया। अब इसमें से कुछ ना हो, 7 तो कॉमन आ गया, मतलब क्या है ये, क्या है ये डिविजिबल बाय 7 है, प्रूव कर पाए मैं। मतलब अब मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी है ना ले दो, सेम है, मतलब p of 1 is true। ये हो गया पहला स्टेप। स्टेप 2, अज्यूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर सम n इज इक्वल टू k, कोई k पे रिजल्ट ट्रू है, मतलब व्हाट, 1 upon 1 into 3 plus 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus dot 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 plus 1 upon 2k minus 1 is k upon 2k plus 1। बात समझ में, ये अज्यूम कर लिया। स्टेप टू, अब क्या करना है, स्टेप 3, सबसे बड़ी तो यही स्टेप है, टू प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। फिर क्या प्रूव करना है, 1 upon 1 into 3 plus 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus dot dot dot। देखो इसके ये टर्म लेने के पहले ये टर्म आएगी कि नहीं आएगी, kth आएगी ना, तो kth टर्म लिखने का पहले 2k minus 1 2k plus 1, फिर 1 upon, अब k 2, समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ये यूज करते आएगा ना पीछे आगे से प्रूव करते हुए, kth टर्म फिर k प्लस 1 टर्म, और मुझे ये मेरी LHS, मुझे ये क्या चाहिए RHS में, क्या आना चाहिए, k प्लस 1 अपॉन 2 k प्लस 1 प्लस 1। RHS में क्या एक्सपेक्टेड है, k प्लस 1 अपॉन 2 k प्लस 1 प्लस 1 आना चाहिए मेरा आंसर, मतलब k प्लस 1 2 k प्लस 3 RHS एक्सपेक्टेड है। समझ में आ रहा, अब देखते हैं। अब यहां तक जो है वो क्या है, ऊपर से
से लेने का k अपॉन 2k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन ये सिंपल कर लो 2k प्लस 2 माइनस 1 और 2k प्लस 1 2k प्लस 3 ठीक है ना। अब इसमें से 2k प्लस 1 कॉमन निकाल लिया सपोज तो क्या बचेगा k अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3 ठीक है। अब आप देखो इसको सिंपल कर लेते हैं समझ रहा क्या मैंने क्या किया एक सेकंड k अपॉन 2k तो 1 अपॉन 2k प्लस 1 एज इट इज ये एलसीएम आएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3 आ रही बात समझ में which is equal to 1 upon 2k plus 1। अब देखो इसके फैक्टर आप निकालते हैं अगर तो ऐसे आएंगे 2k plus 1 2k plus 3 2k plus 1 और k plus 1 और नीचे आ गया sorry 3 ना एक मैं थोड़ा सिंपल करके लिखो करिए मैं ऐसा लिखता हूँ कॉमन निकालिए देखो यहाँ से 2k कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा बराबर है k प्लस ऐसा लिख लो ना 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3 समझ में आया k कॉमन निकालो 1 अपॉन 2k प्लस 1 2k कॉमन निकालो k प्लस 1 फिर 1 कॉमन निकालो k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3 ठीक है तो क्या बचेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1 ऊपर आएगा k प्लस 1 इनटू 2k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3 तो ये कैंसिल हो गया तो k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3 आ गया फैक्टर्स निकालना है। देखो अब इधर nth टर्म नहीं दिए तो आपको इमेजिन करने के लिए बोला है ऐसा कुछ पूछो सोचो कि n अगर 1 डाला तो आंसर 3 आएगा और n अगर 1 डाला तो आंसर 5 ही आएगा ऐसा कुछ बनाओ आप बोलो क्या लेना चाहिए मतलब समझ में आ रहा है। मान लो मैंने twice n plus 1 लिया और twice n plus 3 लिया तो होता है कि मैच n 1 डाला क्या आएगा 3 तो 5 n 2 डालो तो देखो तो क्या था n 2 डाला तो 5 7 आ रहा है ना एन थ्री डाला तो मतलब जरूर ये जो नहीं दिया है ना वो ये टर्म मतलब क्या है बेसिक प्रॉब्लम पूरा नहीं दिया हमको तो ये वन वन अपॉन टू एन प्लस वन आ गया समझ में। अब आगे कुछ बड़ी बात नहीं मेरे हिसाब से नहीं कर लो करो फिर अब स्टेप 1 2 3 एग्जीक्यूट करो करना है 2 रेस टू n जैसे अभी पता है n 1 लिया 2 2 विल बी ग्रेटर देन 1 ठीक है स्टेप 1 n इज इक्वल टू 1 तो LHS क्या आ गया 2 रेस टू n इज 2 रेस टू 1 इज 2 व्हिच इज 2 रेस टू 1 इज ग्रेटर देन 1 मतलब इट इज ट्रू समझे स्टेप 2 2 रेस टू k अज्यूम n is equal to k is 2 मतलब क्या मान लो 2 raise to k is greater than k कोई भी k रहेगा बीच में। अब step 3 में क्या प्रूव करना है to prove n is equal to k plus 1 is true result is true मतलब क्या प्रूव करना है 2 raise to k plus 1 is greater than k ये प्रूव करना है to prove समझा sorry k प्लस अभी कैसे करें कंसीडर 2 रेस टू k 2 रेस टू k प्लस इनटू 2 व्हिच इज इक्वल टू 2 रेस टू k इनटू 2 यस अभी 2 रेस टू k हां अब हमने देखा है कि 2 रेस टू k इज ग्रेटर देन k ये हमको पता है पहले से फ्रॉम 2 2 से पता है यस
बराबर। अब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 into 2 raise to k is greater than 2k, yes, मतलब 2 raise to k plus 1 is greater than 2k, yes, मतलब 2 raise to k plus 1 is greater than k plus k, समझा? अब अगर k plus k से बड़ा है तो k plus 1 से भी बड़ा ही होगा ना, ये इसकी जगह 1 डाल दो, चलो मतलब 2, it is very sure that it is greater than, क्योंकि 1 से तो k बड़ा ही है, yes, so yes, so it is 2. पहली स्टेप क्या पुट किया आपने, n is equal to 1 पुट किया, तो 3 raised to 1 minus 2 into 1 minus 1 0, which is divisible by 0, be divisible by 4a, तो ये गया, ये result true है, 2 पे आप क्या मानेंगे, assume p of k is true, तब आप मान लेंगे 3 raised to k minus 2k minus 4 is divisible by 4, मतलब सम 4 into a, 4 के मल्टीपल रहना चाहिए ना, ये चीज तो कोई a रहेगा ऐसा, कोई नेचुरल, समझ गया, पिछले प्रॉब्लम जैसा, मतलब आप ऐसा लिख सकते 3k is what 4a plus 2k plus 1 equation 1, इसकी जरूरत हमें कहां पड़ेगी, k plus 1 प्रूव करना है ना, to prove, उस वक्त ये चीज हमें लगेगी कि रास्ते, समझ गए? देखो अभी क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि इस 3 raised to k plus 1 minus 2 k plus 1 minus 1 is also divisible by 4, is also divisible by 5. ये divisible by 4 मतलब what, ये चीज 4 के multiple आनी चाहिए, ये prove करना है, anyway इसको हम थोड़ा simple लिखेंगे, 3 raise to k into 3 raise to 1 minus 2k minus 2 minus 1, समझ आ रहा है ये चीज, which is what, 3 raise to k into 3 minus 2k minus 3, ठीक है, याद है, समझ आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू है ना 3 raised to k की वैल्यू ऊपर से ये पुट कर देंगे ना, ये उधर लिया मैंने, मतलब 4a plus 2k plus 1 into 3 minus 2k minus 3, तो ये क्या आएगा 4 12a plus 6k plus 3 minus 2k minus 3, 3 3 cancel, यह आ गया 12a plus 4k, इसमें से 4 common निकलता है, 3a plus k, आरी बात समझ में, तो it is 4 into something b ना, which is divisible by 4, समझ में है, sin superior लेंगे, हमने permutation combination में जाना था, ncr का formula, NCR मतलब what? Selection of R out of N object. ये formula याद होगा आपको, N factorial, R factorial, N minus R factorial. ये formula. जैसे मुझे किसी ने बोला NC 0 निकालो, तो क्या आएगा? N factorial upon 0 factorial into N minus 0 factorial, है ना? N factorial upon N factorial is 1. NC 0 1 आएगा. किसी ने बोला NCN निकालो, N factorial upon N factorial into 0 factorial आएगा, तो ये भी 1 आएगा, ये दोनों 1 है ना, हाँ मुझे किसी ने बोला NC2 निकालो, तो कैसे आएगा, N factorial upon 2 factorial N minus 2 factorial, for example मुझे बोला 4C2 निकालो, 4 factorial. 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. 2 factorial cancel. 12 upon 2. 6. ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है factorial. अभी binomial theorem क्या बोल रहा है? Binomial theorem. हम लोग assume कर रहे हैं n is some
positive integer. Okay. X plus a raise to n करना है आपको, x plus a raise to n. n हो सकता है 2 हो, 3 हो, 5 हो. तो इसका expansion जैसे आप लोग already जानते हैं, x plus a square आप जानते हैं क्या है, x square plus 2ax plus a square. ये तो आपका पहले से पता है आपको. x plus a cube भी जानते हैं आप क्या है, x cube plus 3x square a square plus, plus 3 square x plus a. हाँ मैंने आपको पूछ लिया डायरेक्ट rest to add बोलो तो अब आप प्रॉब्लम में आ गए, आपको याद नहीं इतना. तो ऐसी जगह मुझे ये फॉर्मूला काम करेगा. अब ये फॉर्मूला क्या है देखो, x plus a rest to n. पहली बात एक सिंपल सी चीज देखो, जब दो रहता है ना तो तीन टर्म आती है, जब तीन रहता है तो चार टर्म आती है. तो n है तो कितनी टर्म आएगी, n plus 1 टर्म आएगी. ये बात तो तय है, पहली बात. दूसरी बात, जब 2 रहता है तो पहली टर्म भी 2 आती है और आखिरी टर्म भी 2 आती है. देखो पहली टर्म में x आता है, आखिरी टर्म में a आता है. तो n की बात करूं तो पहली टर्म क्या आनी है, कंफर्म x is to n और डॉट 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 ए रेस्ट टू ए रेस्ट टू. ये तो है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा. ओके अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड वाली टर्म क्या आती है, सेकंड वाली टर्म ये जो n होता है ना ये आगे आ जाता है. देखो इधर 2 है ना, ये 2 आ गया है तो n, और इसकी पावर 1 से कम होती है तो x की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 1. और ये जो है ना ये इसकी पावर इधर 0 है ऐसा मान लो, इधर 1 हो जाएगा. हां इधर 1 हो जाएगा, समझ गया. फिर अब मैं जो चीज लिख रहा हूं वो आपको अभी तो याद रखनी है, बाद में मैं इसको और जनरलाइज. n इनटू आगे वाली टर्म क्या होती है देखो, n इनटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल. x वाली टर्म कम हो जाएगी, a वाली टर्म बढ़ती जाएगी, प्लस n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टर. x वाली टर्म x वाली टर्म n माइनस 3 a क्यूब प्लस n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल. x वाली टर्म फिर से कम, a वाली टर्म बढ़ती जाएगी और डॉट 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 आप कर लो, आखिरी टर्म क्या आने वाली है, तब फैक्टोरियल वाला आंसर 1 आने वाला है. अब ये सब जानने के बाद मुझे इसको और अच्छे फॉर्म में लिखना है, मैं इसको और अच्छे फॉर्म में लिखता हूं. ये वाली टर्म मैं ऐसा लिख रहा हूं nc0 वन ही आंसर, nc0 x रेस टू n a रेस टू 0 चलेगा. प्लस nc1 तो n ही करके देख लो. देखो nc1 क्या आएगा, nc1 n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा. तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 है, n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा. इसको मैं ऐसे लिखूंगा n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, n आ गया. yes. तो n कौन है, nc1 लिख सकते x रेस टू n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस ये वाली जो टर्म है ना ये आपको कर सकते हैं, आप चेक कर लो बाद में क्या है nc2 है. और x रेस टू क्या आएगा, n माइनस 2 a का क्या आएगा स्क्वायर. देखो ये जो भी रहता है ना ये a की पावर रहती है और n में से वो सबट्रैक्ट करना है, सिंपल याद रखो. nc0 x की पावर क्या है, n माइनस 0 a रेस टू 0. nc1 x की पावर क्या है, n माइनस 1 और इसकी एज इट इज. nc2 समझ में आ रहा जी. हाँ आगे क्या आएगा,
ये क्या आएगा NC3, समझ रहा आप लोगों को, आप करके देख लो NC3 यही टर्म आने वाली है, आप चेक करके देख लो, प्लस NC4 N माइनस 4 A रेस टू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिरी टर्म क्या आएगी NCN Nth टर्म n प्लस 1 थर्ड n तो नहीं n प्लस 1 थर्ड क्योंकि ये अगर ये है तो ये टोटल टर्म कितनी आएगी ये 0 से ये है ना मतलब कितनी ये n प्लस 1 थर्ड टर्म है n c n x स्क्वायर माइनस n यस a रेस टू n यस यस अब बीच में की टर्म क्या आ रही कोई भी जनरल टर्म लिखो जनरल टर्म r थर्ड टर्म r थर्ड टर्म सॉरी r प्लस 1 थर्ड टर्म r थर्ड नहीं देखो ये क्या है n प्लस 1 था है समझ रहे हैं ना ये जो है ना ये 0 टर्म मतलब फर्स्ट टर्म है 0 मतलब फर्स्ट है 1 मतलब सेकंड है तो n मतलब n प्लस 1 थे और ये जो लिख रहा हूं ना ये कौन है r प्लस 1 था तो ncr रेस टू n minus r a rest to r समझ में आ रहा बीच में की कोई भी r थर्ड टर्म जैसे हमने सीक्वेंस सीरीज में भी लिखा था ना r थर्ड फिर n थर्ड हाँ अभी आपको क्वेश्चन है कि ऐसा याद रखने का कि देखो ऐसा भी याद रख लो ऐसा इसलिए याद रख लो कि फिर ये एक्सपांशन ये होता है ना आगे चल मतलब बहुत बार हमें फास्ट करना है तो ये ज्यादा आसान है लेकिन रूल वाइज सोचना है हाँ इधर n should be natural क्यों क्योंकि हम combination permutation की बात कर रहे हैं तो n should not be fraction yes समझ में लिखो तो आ रहा है सर इसकी कुछ तो 15 17 18 pages देखने के बाद number बढ़ता है mobile में है ना